चलिए आगे आपको लिए चलते हैं सिंगरौली और दिखाते हैं निवास में संचालित यूनियन बैंक की तस्वीरें। जी हां, बता दें यूनियन बैंक निवास में चलता है दलालों का बोलबाला। यहां पर ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया यहां पर काम बिना दलाल के होता ही नहीं। इसी बात की जानकारी के लिए जब मैं खुद यूनियन बैंक के अंदर प्रवेश किया और वहाँ पर स्टेटमेंट के लिए जब बात किया तो मैनेजर यहाँ पर बता दें उनके द्वारा कहा गया कि एक आवेदन बना दे और मैं आवेदन देकर घंटों तक लाइन में लगा। इसके बाद मुझे क्या दिया गया ये तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं कि यूनियन बैंक की हालात क्या है। इसी बात को लेकर जब मैं ब्रांच मैनेजर से बात किया तो ब्रांच मैनेजर ने भड़कते हुए कहा कि कोई आपको आदमी नहीं मिला था क्या, या किसी के माध्यम से आपको आना चाहिए था, जल्दी आपका काम हो जाता। लेकिन यहाँ पर बता दे जैसे ही मैं अपनी पहचान बताया तुरंत ही मैनेजर साहब ने स्टेटमेंट निकालने की बात कह डाली, लेकिन मैं वहां से चला गया। यहां बता दें बिना दलालों के कोई काम हो ही नहीं सकता। इतना ही नहीं, जब से आशीष साहू जी को मैनेजर की कुर्सी मिली है तब से बता दें नौकर व सफाई कर्मी सहायक मैनेजर की कुर्सी मिल चुकी है। यहां पर जो तस्वीरें हैं देख सकते हैं, ये नौकर व सफाई कर्मी है और ये बकायदा यहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करने लगे हैं। इनकी सैलरी भी मैनेजर साहब अपने हिसाब से देख ही रहे होंगे क्योंकि इनका जॉब सफाई कर्मी से चेंज करके कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी यहाँ पर दे दिया गया। ये साहू जी का कारनामा है, देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। जो तस्वीरें आपको लगातार हम पहुंचा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर समझेंगे आप जिस प्रकार से यहाँ पर जो मैनेजर व ब्रांच सहायक मैनेजर जो भी है यहाँ पर जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो किस पद पर है ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पर वो चपरासी व सफाई कर्मी है लेकिन उन्हें बकायदा एक कंप्यूटर और दे दिया गया है। यहाँ पर उन्हीं के द्वारा स्टेटमेंट वगैरह निकालने की बात भी कहा जाता है। यहाँ पर पूरा काम उन्हीं के द्वारा कराया जा रहा है। मैनेजर साहब अपने गपशप से खाली ही नहीं हो पा रहे थे। ऐसे ही ताजा इन खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहे यूडी न्यूज के साथ और मैं हूं पंकज दुबे।